हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और 2024-25 के सेशन में, इस जर्नी में, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से हमारी 2024-25 की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्लास 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश के लिए जो भी सिलेबस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस आने वाले टाइम में किस तरह से आपकी क्लासेस होने वाली है, किस टाइम पे क्लासेस होंगी, जैसा कि यूजुअली चलता रहा है 7 से 8 आपका टाइम रहता है, वही टाइम इस बार रहेगा। और कितने दिन YouTube पे, कितने दिन एप्लीकेशन पे क्लासेस होंगी, ये सारी चीज़ें आज के इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी पुराने बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर क्लासेस ली थी, उनसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगा हो कि भाई पूरे साल आपने क्लास करने के बाद कुछ फ़ायदा उठाया है, तो उसे एक बार ज़रूर अपने छोटे भाई बहनों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए। अनुष्का, हरिओम जी, निशा, है ना, सभी को गुड इवनिंग है बेटा। ठीक, देखिए, पिछले 4 सालों से हम एकेडमिक्स की पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, और पिछले 4 सालों में लास्ट 2 ईयर से जो हमारा रिजल्ट रहा है वो बहुत शानदार रहा है। इससे पहले जब कोरोना था तो उस टाइम भी जब पेपर नहीं हुआ था, उसके बाद से जब से पेपर स्टार्ट हुआ है हर साल ऐसा रहा है कि कोई ना कोई जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है और प्लस स्टेट टॉपर रहा है वो यहाँ से रहा है। इस बार भी आज जब ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है, पहली क्लास है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसी लगन और इसी मेहनत से पढ़ाई करेंगे। आने वाले समय में जब भी ये बैच खत्म हो रहा होगा, क्योंकि जब भी पहली क्लास होती है तो ये चीज़ मैं बच्चों को एहसास कराता हूँ, देखो आज पहली क्लास है और पहला चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन, तो जब आखिरी क्लास होगी ना उस समय आपको बहुत याद आएगी इस पहली क्लास की। जो भी बच्चे आज पहले दिन से जुड़ रहे हैं, 2-4 बच्चे होते हैं जो पहली क्लास से ही आ जाते हैं और पहली ही क्लास से क्लास करते रहते हैं, फिर आखिरी क्लास तक वो उस क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक, तो जो भी बच्चे हैं जो इस साल कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यूपी में आपको इससे बढ़िया चैनल नहीं मिलेगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स आप अगर ढूंढोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, वो कंटेंट मिलेगा, वो क्वालिटी मिलेगी, वो क्वांटिटी मिलेगी, हर एक चीज़ जो आपको चाहिए एक बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए। रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो हमारी इंग्लिश की बुक है ना, कोई भी आपसे पूछेगा क्लास 12th में आपकी बुक कौन सी लगती है, जब आपसे पूछेगा कि क्लास 12th में अपनी बुक का नाम बताइए, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी आपकी बुक नहीं है, आपकी जो बुक है उसका नाम है फ्लेमिंगो। ध्यान रखिएगा, क्या बुक का नाम है? फ्लेमिंगो, जो कि फर्स्ट बुक है आपकी, मेन बुक, प्रोज वाली बुक, जिसको आप कह सकते हो प्रोज वाली बुक। सबसे पहले अपनी बुक का नाम समझिए, और जो सेकेंड बुक है उसका नाम है विस्टास। ठीक है, ये आपकी सेकेंड बुक है और इसको आप सप्लीमेंट्री वाली बुक कह सकते हो। ठीक, तो आपकी 2 किताबें लगनी है, फ्लेमिंगो और विस्टास। क्या मैं ऑडिबल हूं एक बार प्लीज बता दीजिएगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं क्लियर हूं या नहीं एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूं या नहीं हूं, कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिए, सारी चीज़ें आपको सुनाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए मुझे। ठीक है, हाँ, 2 किताबें हैं आपके पास, फ्लेमिंगो और विस्टास। तो सबसे पहले अपनी किताबों को समझ लीजिए भाई कि हमारे पास 2 किताब है, एक मेरी बुक का नाम है फ्लेमिंगो और एक दूसरी बुक का नाम है विस्टास। ये अलग बात है कि जब आप मार्केट में बुक लेने जाओगे तो यूपी बोर्ड में जो प्रकाशन चलता है ज़्यादातर जिलों में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में, वो होता है राजीव प्रकाशन। ठीक है, तो ये दोनों बुक आपको एक ही बुक में मिल जाएंगी और वो पब्लिकेशन होगा राजीव पब्लिकेशन, ज़्यादातर देखा गया है राजीव पब्लिकेशन। तो समझिएगा, एनसीईआरटी एक करिकुलम है, अलग चीज़ हो गया। किताब का नाम है आपका फ्लेमिंगो और विस्टास, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, प्रोज और सप्लीमेंट्री। और राजीव पब्लिकेशन, इस पब्लिकेशन वाली बुक्स ज़्यादा चलती हैं
यूपी बोर्ड में ज़्यादातर बच्चे राजीव पब्लिकेशन वाली किताब लेते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब एक और बात आ जाते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ। जो चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्लासेस किस तरह से चलेंगी एक बार ये भी देख लेते हैं। जो आपकी क्लासेस होंगी वो ये ध्यान रखना है कि YouTube और एप्लीकेशन पे होंगी। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन का नाम है रविकांत मणि त्रिपाठी, अगर आप कुछ स्पेशल लेना चाहते हो, आंसर राइटिंग करना स्पेशली जो मैं एप्लीकेशन पे लास्ट ईयर भी सिखाया था, बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं जो लास्ट ईयर के हैं जिनको ये पता है कि लास्ट ईयर मैंने क्या किया था उनके साथ या किस तरीके से उनके साथ मेहनत की थी, किस तरीके से जीरो से हीरो जो एक बनना होता है ना। कभी मैंने नहीं कहा कि देखो नंबर कितने गए, लेकिन हमेशा ये कहा कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप कभी ये नहीं फील करोगे कि यार इतना पढ़ने के बाद भी कुछ मिला नहीं मुझे यहाँ पे। बहुत बार ऐसा होता है, कई जगहों पैसा होता है जब आप पढ़ते हो उस टाइम के बाद आपको फील होता है यार कुछ मिला नहीं, हासिल नहीं हुआ। यहाँ जब भी आप अपना समय दोगे हर एक क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जैसे ही 2-3 महीना बीतेगा आपको ये फील होगा, एक नई एनर्जी दिखेगी, एक नई बात दिखेगी आपको अपने अंदर कि मैंने इंग्लिश में एक नई चीज़ डेवलप की है, अब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे कुछ बेहतर फील हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ये बात मैं ओपनली कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने ये चीज़ क्लियर की है, जिन्होंने मेरे साथ इस डर को खत्म किया है, जिन्होंने मेरे साथ इस जर्नी को किया है। तो एक बार फिर से एक नई नाव के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आप इस नाव पे सवार हो जाएंगे और मैं आपका कैप्टन इस नाव को उस छोर तक लेकर जाऊँगा जब 2025 के बैच में आपका पेपर हो रहा होगा, 2025 के सेशन में आपका पेपर हो रहा होगा, उस समय आपको ये रियलाइज होगा कि यार इस नाव की जो जर्नी रही है, इस बोट की जो जर्नी रही है, इस शिप की जो जर्नी रही है वो बहुत शानदार रही है। सभी को राधे राधे है। तो जो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बताइएगा एक बार, किसी कोई दिक्कत, ठीक है चलो। अब देखो तो YouTube पे जो क्लास होगी वो होगी आपकी मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे आपकी क्लास होगी YouTube पे, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये आपकी क्लास चलेगी एप्लीकेशन पे। अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हो, अगर आपको लगता है आप इंटरेस्टेड हो, आप इंग्लिश में कुछ बेहतर करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अगर आपका इंग्लिश जीरो है तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि मेरे साथ आप अगले 2-3 महीने में बहुत बेहतर कर सकते हो अपने आप को। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे जाइए और हमारा इंग्लिश का जो बैच है वो आप इसे ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो 8317071156 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी डाउट है बैच को लेकर, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, ये नंबर है, आप इसे नोट कर लो, ठीक। तो ये क्लासेस चलेंगी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपको यूट्यूब पे मिलेगा, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो हमारी जो पहली क्लास होगी वो मंडे से स्टार्ट होगी, अब आज के बाद जो क्लास चलेगी वो मंडे से, क्योंकि इधर एप्लीकेशन कुछ चलेगा नहीं, या हो सकता है कि एक दिन एप्लीकेशन पे भी बात हो जाए बच्चों से, लेकिन पहली जो क्लास होगी वो मंडे को स्टार्ट होगी, द लास्ट लेसन। बात समझ में आ गई। अब चैप्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, जो जो हमारे चैप्टर्स हैं। धन्यवाद धन्यवाद तिजल बाबू, तिजल गुप्ता जी हैं, कह रहे भाई लोगों खरीद लो मजा आ जाएगा। नहीं, इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं है, जो भी पुराने बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे बैच लिया लास्ट ईयर, दे नो कि उन्हें क्या बेनिफिट मिला है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से। बहुत ऐसे बच्चे रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरे साथ अपने इस इंग्लिश के डर को ख़त्म किया है। सर ये जो बुक है क्या कमाल की बुक रही है, ठीक है, आप पेपर उठाइएगा और इस बुक को उठाइएगा। ये बुक मैंने खुद जो है बनाई, क्वेश्चन बैंक बनाया, ये देखते हुए कि हर साल जो क्वेश्चन बैंक अलग अलग पब्लिकेशन के आते हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है,
उसको देखते हुए मैंने ये बुक जो है ली थी, ठीक है। और इसमें काफ़ी टाइम लगा इस बुक को बनाने में, लेकिन फाइनली ये बुक बनके तैयार हुई और इस साल फिर ये बुक जुलाई तक आपको दिख जाएगी फिर से कुछ नई एडिशन के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद। मक्खन होगा, अभी तो बच्चे आएंगे धीरे धीरे बोट पे सवार होंगे इस नाव पे और फिर ये जर्नी स्टार्ट होगी। हाँ आइए, तो ये हमारा आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है छोटा सा कि यूट्यूब पे आपको मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे को क्लासेस मिलेंगी। एप्लीकेशन हमारा रविकांत मणि त्रिपाठी, ये मेरा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इसी एप्लीकेशन पर थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अब चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए हमारी दो बुक है फ्लेमिंगो और विस्टास। फ्लेमिंगो में आपको पोएट्री सेक्शन भी मिलेगा, फ्लेमिंगो में आपको पोएट्री सेक्शन भी मिलेगा। तो ये 8 चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, सीखने की बात है बस खाली। अब 8 चैप्टर्स हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर पहली वाली बुक में आपको पढ़ने हैं, 8 चैप्टर्स हैं, 8ों चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये 8ों चैप्टर्स आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर प्लस आंसर कैसे लिखे, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे कराई जाएंगी। तो जो 3 दिन क्लास होगी उसमें चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर जो 3 दिन की क्लास होगी उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एप्लीकेशन पे कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको उस एप्लीकेशन पे क्वेश्चन राइटिंग कैसे की जाए, आंसर राइटिंग कैसे की जाए, किसी आंसर को कैसे लिखा जाए, वो सारी चीजें कराई जाएंगी, ठीक। तो ये 8ों चैप्टर्स हैं फ्लेमिंगो बुक में। फ्लेमिंगो में ही हमारा पोएट्री सेक्शन है। अगर पोएट्री सेक्शन की बात करें तो टोटल 5 पोएम्स हैं, My Mother at 66, Keeping Quiet, A Thing of Beauty, A Roadside Stand, Aunt Jennifer's Tiger। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है पोएट्री सेक्शन का, देखिए कितना छोटा सिलेबस है। आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़ोगे और जब मैं आपको अपने तरीके से चीज़ों को धीरे धीरे लेकर जाऊँगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा टाइम लगेगा, बहुत अजीब लग रहा है इनके साथ पढ़ने में, लेकिन एक समय के बाद आप ये फील करोगे कि एक नई एनर्जी आपके अंदर आ गई है इस सब्जेक्ट को लेकर, इंग्लिश को लेकर इंटरेस्ट जो जगेगा वो एक अलग लेवल का होगा, ठीक है। जैसे ही 2-3 क्लासेस खत्म होंगी एक अलग लेवल का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा इसी क्लास में। तिजिल गुप्ता, रिजल्ट आएगा उसके बाद आप मुझे मैसेज करेंगे, उसके बाद मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनके मैसेज का मैं वेट कर रहा हूं, रिजल्ट आ जाए और फिर मैं उनके मैसेज का वेट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए बता रहे हैं कि सब लास्ट ईयर जनवरी से पढ़ना चालू किया था केवल, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे। तो आप ये जर्नी करने के लिए कितना तैयार है ये देख लीजिए। मैं पूरा देने के लिए तैयार हूं, मैं पूरी तरह से अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हूं और हर बार मैं झोंकता हूं। लास्ट ईयर भी झोंका था, उसके पहले भी पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया था, इस साल भी समर्पित करने को तैयार हूं। बस आप कितना तैयार हैं चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअल जगह है, ये वो जगह है जहां पे आपको रियलिटी दिखाई जाएगी। जब भी मुझे लगता है कि किसी बच्चे के अंदर कोई कमी है, मैं एकदम डायरेक्ट बोलता हूं कि बेटा देखो ये प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर और इस चीज को सही करो, नहीं तो इस लेवल पे आकर ये प्रॉब्लम के साथ तुम रहोगे तो बहुत दिक्कत होगी। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, बहुत सारे टीचर बच्चों को, अरे नहीं बेटा कर लोगे, कर लो, कोई प्रॉब्लम, अरे नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तब भी हो जाएगा बेटा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप एक 12th लेवल के स्टूडेंट हो, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो तो एक कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। अगर वो नहीं फुलफिल हो रहा है तो भाई साहब फिर बहुत बड़ी दिक्कत है आपके साथ और वो मैं क्लियरली आपको बता दूंगा। तो ये हमारी 5 पॉइंट्स हो गई। My Mother at 66, कमला दास है, इंडियन पोइट है ये। Keeping Quiet है, पेब्लो नरूडा इसके हैं। A Thing of Beauty जॉन कीट्स की है। Roadside Stand रॉबर्ट फ्रॉस्ट
अमेरिकन पोइट है, बहुत बढ़िया पोएम है, और आन जेनिफर स्टाइगर, एड्रिन रिच, ठीक है। तो ये पांच पोएम्स हैं जो हमको पढ़नी है। अब हमारी जो दूसरी बुक है वो है विस्टास। विस्टास बुक में अगर हम देखें तो हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं, एक्चुअल में थे 8, लेकिन ये जो 2 थे वो एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से हटा दिए, ये ध्यान रखना। पोइट्री सेक्शन में भी एक चैप्टर हटाया गया है, 6 थे, ठीक है, पोइट्री में भी 6 थे, तो छठे वाले को हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा, जो छठा चैप्टर है पोइट्री में वो हटा दिया गया है, रिमूव्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो 6 चैप्टर्स हैं आपके विस्टास बुक में। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, बहुत गजब गजब के चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, टोटल कितने चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर्स। ये हमारा सिलेबस है, ये हमारे चैप्टर्स हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सारे चैप्टर्स क्लियर हो गए होंगे, बुक आपको क्लियर हो गई होगी। ग्रामर सेक्शन में बहुत कुछ है, ठीक है, ग्रामर सेक्शन में बहुत कुछ है, जिसको जब हम ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। जो आपका ग्रामर सेक्शन है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो ये जब सेक्शन स्टार्ट होगा ग्रामर सेक्शन जब स्टार्ट होगा तब आपको ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी कि टेंस है, वन वर्ड है, इडियम्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, सिंटेक्स है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, होमोफोन्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी उस समय पर। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है यहाँ पे। ये मोबाइल नंबर है जिस पे आपको कोई डाउट हो क्लियर करो। यूट्यूब पे आपकी क्लासेस मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे चलेंगी। एप्लीकेशन पे आपको क्लासेस रविकांत बड़ी त्रिपाठी एप्लीकेशन है, यहाँ से जाकर आप कोर्स ले सकते हैं। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को चलेंगी, ठीक नहीं विष्णु, अभी कल एप्लीकेशन पे नहीं क्लास होगी, क्योंकि अभी पहली, जब एक चैप्टर हो जाएगा तब एप्लीकेशन पे क्लास होगी। तो आपको मंडे से ही क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस आपको मंडे से ही मिलेंगी। ओरिएंटेशन क्लास एक हो सकती है, ऐसी बातचीत के लिए हो सकती है एप्लीकेशन पे, लेकिन रेगुलर क्लासेस अब मंडे से स्टार्ट होंगी। हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी वाली क्लास आपकी यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुकी है। विष्णु यादव, अपना बैच जरूर लिख दीजिएगा, 24-25 बैच है या 23-24 बैच है, जब भी कोई बच्चा मैसेज करेगा अभी, क्योंकि इसमें 23-24 के भी बच्चे होंगे बहुत, और 24-25 वाले जो भी बच्चे हैं मैं उनसे जरूर कहूंगा कि एक बार सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगले एक महीने में बहुत गजब का चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो इसमें, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, किसी को कोई डाउट एक बार प्लीज बताइए। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, नहीं तो फिर क्लास मंडे को आपको पहली क्लास मिलेगी। मंडे को यूट्यूब पे पहली क्लास होगी आपकी 2024-25 बैच के लिए, द लास्ट लेसन, पहली क्लास होगी द लास्ट लेसन, ठीक है। चलिए तो आज के लिए अब इतना ही है, काफी कुछ हो गया डिस्कस आपके साथ। मिलते हैं मंडे को पहले चैप्टर के साथ यहीं पे। जो भी आपके दोस्त हो उनको एक बार बताना मत भूलिएगा, जो भी आपके साथ वाले हो 12th क्लास में पढ़ रहे हो आ जाइएगा द लास्ट सेशन को लेकर, मैं रहूँगा यहाँ पे आपके साथ मंडे को, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। कोई डाउट हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8317071156। मेरे प्यारे बच्चों, मंडे के दिन शाम में 7:15 पे 7:15 बजे आपकी क्लास होगी, ये ध्यान रखिएगा। 7 बजे से इस बार बैच नहीं किया मैंने, इस बार का जो बैच है वो 7:15 का है, टाइमिंग 7:15 है, देख लीजिएगा डेली।
तो मंडे को आपको मिलेंगे द लास्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।